प्यारे छात्रों, सागर और मेघ का तीसरा भाव और उसका स्पष्टीकरण लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। छात्रों, अगर नव में बादल ना होते तो विषय अकाल्पनिक है। बादलों के बिना कैसी सृष्टि? वायुमंडल में मौजूद वाष्प का संघनन ही बादल है। बादल सागरों, महासागरों की अथाह जल राशि को ग्रहण करते हैं। यदि बादल ना होते तो सागर अपनी मर्यादा तोड़ देते। और छात्रों, सदा नीला नदियां निरंतर अपना जल सागर को समर्पित करती। यदि इस जल का संगणन न करने के लिए बादल न होते तो जल राशि इतना बढ़ जाती कि सागर तट वो निकटवर्ती स्थान जल समाधि ले लेते, पृथ्वी का जीवन न रहता। तो प्यारे छात्रों, सागर और मेघ का तीसरा भाव सारंश आपके सामने मैंने पेश कर दिया। अब आप घर जाइए और सागर और मेघ का पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग, इसका आप आकलन करिए और फिर देखिए कि हमारे जीवन में सागर का कितना महत्व है। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।